की कुछ बड़ी खबरें। जियो से कॉल पर चार्ज, रिलायंस जियो से दूसरे नेटवर्क पर वॉइस कॉल करना फ्री नहीं रहा। कस्टमर को इसके लिए अब 6 पैसे प्रति मिनट चुकाने होंगे। इसके लिए उन्होंने इंटरकनेक्ट यूजेस चार्ज IUC टॉप अप करवाना होगा। हालांकि कंपनी भरपाई टॉप अप की कीमत का फ्री डेटा देकर करेंगी। बैंक लोन सस्ता करने लगे, बैंकों ने कर सस्ता कर दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा रिपो रेट से जुड़ी लोन तुरंत प्रभाव से 0.25% सस्ते कर दिए हैं। स्टेट बैंक ने भी कर से जुड़ी बेंचमार्क दर MCLR में 0.10% की कटौती की है। इससे जुड़े होम, ऑटो और पर्सनल लोन 10 अक्टूबर से सस्ते हो गए हैं। अन्य बैंक भी जल्द कर्ज की दरें कम कर सकते हैं। DA में 5% की बड़ी बढ़ोतरी। मोदी के कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मियों और पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते को DA को 12 से बढ़कर 17% करने का बुधवार को फैसला लिया है। इससे 50 लाख कर्मियों और 65 लाख पेंशनरों को फायदा होगा। बड़ी दरें जुलाई से लागू होंगे, यानी जुलाई से एरियर मिलेगा। 7वां वेतन लागू 2016 होने के बाद DA ने यह एक बार में सबसे बड़ी बढ़त की है। मिले 1.69 लाख करोड़ शेयरों में 6 कारोबारी दिनों में गिरावट के बाद बुधवार को शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 646 पॉइंट उछला है तो निफ्टी भी 147 पॉइंट चढ़ा है। पिछले 6 दिनों में निवेशक 6.36 लाख करोड़ रुपए गवा चुके थे, लेकिन बुधवार की बढ़त से 1.69 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई है। शेयरों में तेजी के पीछे महंगाई में भत्ते में माना गया है। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। और साथ ही आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद।